श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, माँ बाबा के चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुशी। बाबा जी, मैं राकेश पचौरी रमन दिल्ली से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था अक्टूबर में, तो मैंने दरबार की नौ हवन वाली प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद फिर मैंने दीक्षा ली, दीक्षा के बाद फिर मैं बाबा माँ की कृपा से तंत्र दीक्षा में सेलेक्ट हो गया, बोली फिर उसका भी मैंने कर लिया, फिर फर्स्ट लेवल की दीक्षा ली, उसका भी मैंने दशांश पूरा कर लिया, अब सेकंड लेवल की दीक्षा के लिए आया हूँ बाबा, आप भी देख लें। अच्छा है, बहुत ऊर्जा है तुम्हारे पास। बाबा जी, मैं अगस्त में मिला था धर्मपत्नी के साथ और बच्ची के साथ, सबसे बात करते हैं। जो तो, महाहवन करेंगी आपकी धर्मपत्नी करेंगी जी, और इन दोनों बच्चियों को रखेंगी, आपको रहने की उसमें आवश्यकता नहीं, आपके पास ऊर्जा जरूरत से ज़्यादा है जी। जी बाबा जी, वाइफ लाएं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा, खूब पहले से मुझे काफी आराम लग रहा है गुरुजी। खूब खुश है। आप कोई कष्ट बचा हो तो बताओ, कष्ट लग रहा है? कुछ नहीं है गुरुजी, स्वस्थ हैं पूरी तरह। अब कोई कष्ट नहीं। पहले आपसे बात करने में भय लग रहा था, पिछली बार आई थी जब अगस्त में, और गुरुजी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमें ट्रेन मिलेगी, बहुत लेट हो गए थे दरबार से जाते जाते। आपकी जो बुक है उसका नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने उसमें एक वो पढ़ा था ब्रजेश मिश्र जी का ट्रेन वाला, तो हमें कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। वो जो ऑटो वाले भैया थे उनसे हमने काफ़ी कहा कि तेज चलाइए, लेकिन वो आराम से चला रहे हैं, और जब हम ट्रेन में चले गए तभी ट्रेन चली जबकि टाइम हो चुका था। आपकी बड़ी बड़ी कृपा हुई हम पर। खुश रहो, प्रसन्न रहिए, खुश स्वस्थ रहिए, सब ठीक है। लेकिन गुरु जी, मैं एक रहोगे, अब आपको एक महाहवन करना है दरबार की ओर से निःशुल्क है, अपने को संकल्प करके रखिएगा, उसमें अपना संकल्प करिएगा, इन दोनों बच्चियों का संकल्प करिएगा, इनको लेके आना पड़े, मैं एक लोग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अकेली कर सकती हूँ? अच्छा गुरु जी, क्योंकि इधर ब्रेन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए करना आवश्यक। जरूर करूँगी। मैं ये कह रही थी थोड़ा घर का पूजा घर आप, वो सब अच्छा है, सब साफ है, लेकिन मुझे पूजा करते समय पता नहीं, एक तो हंसने वाली बात है, माता जी की तरफ जब देखती हूँ बड़ी बड़ी तस्वीरें, मुझे ऐसे पता नहीं मेरी आँखों में कमी है, आँख डबल दिखेंगी या ऐसे लगेगा जैसे पोज वो हो रहा चेंज, पता नहीं क्या दिक्कत। अभी तक गंदगी थी, चली गई, आवाज से सब अच्छे है ना। अब आपके शरीर बेहोश रहते थे आधे, उनके ट्रीटमेंट हुआ करते थे, आप पूरी बात समझ नहीं पाते थे, ये सब आप लोगों के रोग कष्ट थे, ये जो सब नष्ट हुए हैं वो ये सब रोग कष्ट थे, आप लोगों को पढ़ सकते हैं। गुरु जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं शायद, ये सब पढ़ रहे हैं, सारे रोग कष्ट थे आप लोगों के, जो अब नहीं बचे, इनकी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, जो रोग की जड़ थी। ये कागज मिल जाएगा क्या गुरु जी, मिल जाएगा? अब है ना, लाइव में तो है ही, फोटो खींच लो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, लाइव में तो है ही है, तो ये सारे कष्ट गए, कुछ शेष नहीं बचे, ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, ठीक है। वहाँ पास से दिखा दें, इसीलिए कह रहे हैं मंगाओ इसके लिए। ठीक है गुरु जी, इसको देख लेंगे लाइव में, देख लिया। ठीक है, खुश हो। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, हरिद्वार में बन गया श्री करौली धाम। आपकी इस महिमा का, इस आपके उसका हम गुणगान नहीं कर सकते, बाणी रुक जाती है, शब्द नहीं मिलते हमें गुरु जी। खुश हो, खूब खुश, प्रणाम, खूब खुश, स्वस्थ, प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, आपका आदेश हुआ था आने के लिए गुरु जी, तो यूनिवर्सिटी से आई हूँ। आप सारे रोग कष्ट गए, ग्लूकोमा की स्मृति भी नष्ट हो गई, सिजोफ्रेनिया था आप लोगों को वो भी नष्ट हो गया, लगता था कोई है, कोई साथ है, कुछ आसपास है, कुछ मेरे साथ है, ये वो तमाम गंदा गंदा सब सब खत्म, कुछ भी नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर भी आपका नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं है, जितना भी आलस था सब नष्ट, कुछ प्राइवेट समस्याएं थी वो सब अच्छे हुए हैं, सब दरबार ने नकारात्मक स्मृतियाँ उनकी नष्ट हुई हैं, यूट्रस ओवरीज आपकी सबकी ठीक ठीक गई दोनों की, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में हो गए थे
पितरों के कारण आधी बेहोशी में रहती थी, निद्रा में आधी रहती थी, पता नहीं कब क्या करते थे, आधा होश आधा नहीं होश, ऐसे ये सब नष्ट हुआ। बिल्कुल फ्रेश अप पड़े हो, अपने आप को पूरा फील कर पा रहे हो कि आप हो भी पूरी तरह से, है ना, तमाम कष्ट सब अच्छे एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब लेपन जरूर करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिश गुरु जी, एक दो क्वेश्चंस थे मेरी। एक्चुअली बैक पेन है 2 साल से, अभी भी फील हो रहा है थोड़ा। इसीलिए कहते हैं पहले वहाँ चेक कर लिया करो। सुनो, आप चेक करिए आगे झुक के जमीन छुई, अंदर कुछ है, जमीन छुई सीधे हुई, कुछ है झुकने में प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी। तो फिर उसका डिस्कस नहीं करना, जो चला गया इसका क्या, सब खत्म। आपको मेन प्रॉब्लम पीसीओडी था, उसके कारण आपको कष्ट आते थे कमर में, मासिक धर्म में समस्या थी, इसके कारण आपको कमर में कष्ट आते थे और नाभि के आसपास भी कष्ट रहते थे, रहते थे जी। अब है वहाँ कोई कष्ट जी? नहीं, फिर नहीं। सब खत्म, कोशिश। प्रणाम गुरुदेव, खुश हो बेटा। लास्ट टाइम आपने मेरी मम्मी पापा से दूर रहने की स्मृतियां नष्ट करी थी, पर मतलब वन डे में मेजरली सब खत्म हो गया, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा और बहुत रोना फील हो रहा है, बट वो आ नहीं पा रहा है। अभी जब यहाँ पे आपने संकल्प कराया तो लोगों में कुछ प्रक्रिया हुई, उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर वो मैं कर नहीं पाई। तो और मेरे को यहाँ, मेरे को इसलिए कि जो निकलना चाह रहा था आपने निकलने से रोका, जो आपसे निकलना चाह रहा था जो भी ऊर्जा, आप उसको अपने को नियंत्रित कर रहे थे कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना होने, कंट्रोल कर रही थी अपने आप अपने ऊपर आप, तो आपने चीज़ें बचा ली अपने अंदर, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए आपको ऐसा फील कर रहा है। आपको बचाना नहीं, समर्पण चाहिए पूरा दरबार में। आपको सिजोफ्रेनिया भी था, है बाइपोलर डिसऑर्डर आपको भी था, है ना, जो बहन को समस्या थी लगभग वही समस्या आपको भी थी, थोड़ी बड़ी हुई आपकी ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा आपको समस्या थी, पीसीओडी थी, ओसीडी थी आपको, चिढ़ नफरत घृणा ये सब होती थी आपको, परिवार से होती थी, दूसरों से हो जाती थी, तो ये सब नष्ट हो गई। अब लग रहा किसी से कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा लग रहा, देखिए मम्मी पापा को लग रहा। अपने को पूरा स्त्री महसूस नहीं कर पाती थी, पुरुषत्व आगे रहता था आपका, पुरुषों जैसा फील करती थी, जेंडर ही धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रही थी, आपको नहीं लग रहा था पागल हो जाएंगे कुछ दिन में, है ना। ये सब बेटा आपका कुछ भी नहीं था, आप ऐसे थे ही नहीं, जो थी सब बाहरी गंदगी थी जो आपको ऐसा बना रही थी, अब वो सब नष्ट हो गए, इसलिए आप प्योर हो गए, खड़े अच्छे हो खड़े हमेशा के लिए अच्छे हो, ठीक है। अब अपने आप को पूरा महसूस कर पा रहे हैं कि हम हैं, बस ऐसे तो सब अच्छा अच्छा है। लेपन करना है ताकि जो है सूजन और चली जाए ब्रेन में। एक चीज और पूछनी थी, मुझको और दीदी को बहुत नजर लगती है, मतलब बहुत ज्यादा लगती है, मतलब हम थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं वापस आते हैं, हमारी बॉडी ऐसा लगता है एकदम गिव अप कर चुकी है। ऐसा नहीं था, नजर नहीं लगती थी, गंदगी और ज्यादा बढ़ जाती थी अट्रैक्शन के कारण। अंदर जो गंदगी थी बाहर की गंदगी से अट्रैक्शन में जुड़ जाती थी, उसकी आप में और प्रवेश कर जाती थी, उससे आपको और टेढ़े हो जाते थे आप लोग, समझ गए। इसलिए क्या होता था, बहुत ऐसा बहुत लेजीनेस, खूब भारीपन, वो लगता बस पड़े रहो उठो नहीं, दर्द अकलन जकलन ये सब होने लगता था, ये सब बाहरी प्रभाव और बढ़ जाता था, इससे होता था। अब कुछ भी नहीं, खुश प्रसन्न हरि। हाँ बेटा गुरुदेव, मेरे मन का भाव था, कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही दरबार जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, मैं बहुत कम टाइम में बाबा से जुड़ा, पर मुझे एक ये कहना था, मैं जो बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, वो या तो मिलता नहीं है और मिल भी जाता है तो टूट जाता है। पुरानी बात, ठीक ठीक, पुराने उससे वो बताया ना, गंदगी रहती तो सब यही करती है। अब आप सब अच्छा अच्छा, आप क्या, तुम्हारे पास पहले से ऊर्जा है, आप तो पहले तुम्हारी ऊर्जा को ये लोग पी जाते थे, अब खुद ही ऊर्जा इनके पास है, तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, खुश रहो। धन्यवाद बाबा, तुम दीक्षा से दीक्षा ले चुके हो बाबा से, ऊर्जा बहुत, खुश रहो।